हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका जैन क्लासेस फंडा क्लियर में मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, पूरी बिजनेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप या कंपनी के ऑनर हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कुछ नहीं तो हम सभी लोग कंज्यूमर तो है ही। तो ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम एक मिनट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें वो टर्मिनोलॉजी क्या है। बच्चों, इस चैप्टर में शॉर्ट कट लिखा जाता है सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को। इस तरह से कॉस्ट प्राइस को सीपी से लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी से लिखेंगे, मार्केट प्राइस को एमपी से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस का मतलब, जैसा कि इसका नाम ही है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, किसी भी चीज को जितने में खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जितने में बेचेंगे विक्रय मूल्य। मार्क प्राइस, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर जो प्रिंटेड फॉर्म में प्राइस लिखी जाती है, जिसे जनरली हम एमआरपी के नाम से जानते हैं, वह मार्क प्राइस एमपी या उसी को लिस्टिंग प्राइस भी बोलते हैं। प्रॉफिट, ये सबको पता है। लॉस, डिस्काउंट, ये भी सबको मालूम है। डिस्काउंट मीन्स छूट, कितने की छूट की जा रही है। तो अब इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, देखें। डिस्कस प्रॉफिट लॉस। बच्चों, बेसिक क्वेश्चन ए पोर्शन में, कोई भी चीज खरीदी गई, उसको बेच दी गई। 400 रुपीस में खरीदा, 500 रुपीस में सेल कर दिया। बी 700 रुपीस में खरीदा और 650 रुपीस में सेल कर दिया। सी में 357 रुपीस में खरीदा और उतना ही में बेच दिया। बच्चों, बताना है किस केस में प्रॉफिट हुआ, किस केस में लॉस हुआ, आपको ये बतानी है। तो देखें बच्चों, यहां पर 400 रुपीस में खरीदी गई है, 500 रुपीस में बेच दी गई। जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया, तो इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। तो ए प्रॉफिट 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 रुपीज। तो आपने देखा कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, यहां कम होगा, ज्यादा में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये तभी जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। तो प्रॉफिट तभी होगा जब आप ज्यादा में बेचोगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से।
तो अब आप इसके फार्मूले को भी समझ लो। सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। कितने का प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो आप इसे देख लो, बी में बच्चों 700 रुपीस में खरीदी गई है, 650 में बेच दी गई, कम में बेची गई है, तो यहां पर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का लॉस हुआ? 700 में से 650 को माइनस करो, तो लॉस कब हो रहा है? जब सेलिंग प्राइस कम रहे। तो यहां पर फॉर्मूला बन गया लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम रहे। तो जब आप बढ़ाकर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, घटाकर बेचोगे तो लॉस होगा, जैसा कि सबको पता है। इस केस में जितने में आपने खरीदा उतने में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। बच्चों कोई भी चीज जितने में खरीदी जाती है अगर उतने में ही बेच दें तो उसमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो इसे ठीक से समझ लो, नोट कर लो। यहां तक का फंडा क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस में इफ एसपी माइनस सीपी ग्रेटर देन जीरो, एसपी माइनस सीपी लेस देन जीरो, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाने के बाद जीरो से बड़ी क्वांटिटी है। तो आप खुद सोचो ये कब पॉसिबल है। सेलिंग प्राइस जब ज्यादा रहेगा, जब ये वैल्यू ज्यादा और ये कम, तभी यहां पर ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये मान लो 500 है, ये 400, तो 500 में से 400 घटाओगे तो जीरो से ज्यादा। ये तभी पॉसिबल है जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। इस केस में बच्चों एसपी में से सीपी घटाने के बाद लेस देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी की वैल्यू ज्यादा है। एसपी में से सीपी घटाने के बाद क्वांटिटी निगेटिव आ गई, इसका मतलब सीपी की वैल्यू ज्यादा है और एसपी की वैल्यू कम है। इस केस में लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। इस केस में जैसा कि आपको पता है ये दोनों जब बराबर होंगे तभी ये जीरो आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसे ठीक से समझ लो, यहां तक का फंडा क्लियर। डिस्कस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस। देखो बच्चों परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा देखें सॉल्यूशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस को एक्सप्लेन करनी है। क्या होती है परसेंटेज प्रॉफिट? देखो बच्चों बच्चों जो भी प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है वह इन्वेस्टेड मनी पर देखी जाती है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो आपने खरीदने में टोटल पैसा लगाया है तो फिर हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बताएंगे।
तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, अब परसेंटेज में हमें चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100%। किसी भी रेशियो को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने परसेंटेज के बेसिक क्लास लेवल 1 में एक्सप्लेन किया है, आप उसे ठीक से देख लेना। यहां तक अपना क्लियर? परसेंटेज लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस। बच्चों जैसा कि आपको पता है, लॉस तभी होगा जब आप जितने में खरीदो उससे कम पैसे में आप सेल करो, तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%। जैसा कि हमने बताया, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, टोटल इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कॉस्ट उसे खरीदने में, तो हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे नोट कर लो। यहां तक का पंडा क्लियर? प्रॉफिट लॉस एंड सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट 10%, सेलिंग प्राइस कितनी की है हमें ये बतानी है। बी पोर्शन में है बच्चों, सिक्स हंड्रेड लॉस 20%, देखो बच्चों 400 रुपीस में खरीदी गई है, 10% प्रॉफिट के साथ उसे सेल कर दी गई, हमें बतानी है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बता दो, लॉस हुआ है तो लॉस बता दो। यहां पर बोला गया है प्रॉफिट हुई है 10%, तो कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट इक्वल टू 10%, चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज हो चाहे लॉस की परसेंटेज हो, ये दोनों परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस बताई जाती है। तो 10% प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 400 पर। 20 से 20 कैंसिल, 40 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना होगा? जैसा कि आपको मालूम है, सेलिंग प्राइस जो होगी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हम ऐड करके बताएंगे। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों मिलाकर ये 400 प्लस 40, ये हो गया 440 रुपीज एंसर। इसे नोट कर लो। यहां तक अपना क्लियर? इसको देखें, बच्चों यहां पर लॉस हो रही है कितनी? 20%, 20/100 इंटू 600, 20 से 20 कैंसिल, 20 × 6 120 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस, जैसा कि आपको मालूम है, लॉस के केस में जो बेची जाती है वह प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तो सीपी माइनस लॉस कितने का लॉस हुआ है? 120 रुपीज का। 600 माइनस 120, 480 रुपीज एंसर। तो आप इसे भी ठीक से देख लो। यहां तक अपन का क्लियर? फाइंड प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस।
देखिए बच्चों, ए में गिवन है ₹500 में कोई चीज परचेज की गई है और बेच दी गई ₹700 में, और बी पोर्शन में है, बी में है ₹400 में खरीदा और ₹350 में सेल कर दिया गया। बतानी है प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ, फिर उसको परसेंटेज में भी बतानी है बच्चों। सॉल्यूशन ए जरा देखें बच्चों, आपने देखा यहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ज्यादा में बेची जा रही है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है, 700 माइनस 500 फिर हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी बतानी है, परसेंटेज प्रॉफिट। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, कितने की प्रॉफिट हुई है 200, कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100, ये हो गया बच्चों 20 से 20 कैंसिल, 20 × 40% एंसर। इस केस में 40% का प्रॉफिट होगा। यहां तक पढ़ना क्लियर? इसमें देखिए बच्चों सॉल्यूशन बी पोर्शन। बच्चों यहां पर 400 में परचेज की गई है, खरीदी गई है, उसे बेच दी गई ₹350 में, घटाकर बेची गई तो लॉस ही लॉस। कितने का लॉस हुआ, उसको ₹50 का लॉस हुआ। हमें परसेंटेज में भी बतानी है परसेंटेज लॉस। जैसा कि आपको मालूम है लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, तो लॉस ₹50 आउट ऑफ ₹400 इनटू 100%, 20 से 20 कैंसिल, 50 में 4 का डिवीजन करेंगे, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12.5% एंसर। तो आप इसे याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हम बताते हैं। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक अपना क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस फॉर ₹1000 में ए ने कोई आइटम कोई आर्टिकल परचेज किया, फिर उसे 10% प्रॉफिट के साथ उसे बी को सेल कर दिया, फिर बी ने उसे 10% लॉस के साथ सी को सेल कर दिया। यह है फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस ये सब चीज बतानी है। जरा देखें सॉल्यूशन
बच्चों ए के लिए इसने 1000 रुपीस में खरीदा। तो आप कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज जितने में खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ए के लिए 1000 रुपीस ये कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट बोला गया, 10% की प्रॉफिट है। और जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 10% ऑफ। कितने में खरीदा था? 1000 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इसे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो 1000 में 100 बढ़ाकर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 1100 रुपए का वह सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस 1000 प्लस 100, 1100 रुपीज। यहां तक अपन क्लियर। तो आप इसे ठीक से देख लो बच्चों। फॉर बी देखो, ए का जो सेलिंग प्राइस है वह बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस 1100 रुपीज। ये 10% लॉस के साथ बेच रहा है। हमने प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट किया है और लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट किया है। तो इसे लॉस कितने का होगा? 10%, 10% ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस 1100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का 10 से मल्टीप्लाई, 110 रुपीज। इसे 110 रुपए का लॉस हुआ। तो इसका सेलिंग प्राइस 1100 का खरीदा, 110 का लॉस हुआ। ये आ गया 990 रुपए आंसर। तो आप इसे देख लो, 990। अब सी के लिए अगर पूछा जाता कि सी की कास्ट प्राइस कितनी होगी, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वह सी के लिए कास्ट प्राइस हो जाता। मगर हमें सिर्फ ए और बी के बारे में बताना था। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा। क्लियर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है मार्केट प्राइस के कंसेप्ट पर। कोई कंपनी है, वह अपने प्रोडक्ट ए को सेल करती है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, मार्केट प्राइस का मतलब प्रिंटिंग प्राइस, पैकेट पर जो प्राइस प्रिंट कर दी जाती है उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ए को बेचा जाए, ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जाएगा, तो जो उसकी प्रिंटिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, वह चेंज होने वाली नहीं है। मार्क प्राइस हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। 30% डिस्काउंट के साथ ए को बेचा, तो जो भी डिस्काउंट की जाती है मार्क प्राइस पर की जाती है। तो 1000 का 30% 300 होगा। तो 300 डिस्काउंट कर दो, कितना आएगा? 700।
700 रुपीज। तो बच्चों ए के लिए कास्ट प्राइस 700 होगा क्योंकि उसने 30% डिस्काउंट के साथ खरीदा, तो 1000 का 30% 300 होगा। आप हमारी परसेंटेज क्लास लेवल 1 जरूर देख लेना, तो उतना डिस्काउंट कर दो तो 1000 में से 300 डिस्काउंट कितना बचेगा, 700 रुपीज। फिर ए ने 20% डिस्काउंट के साथ बी को सेल कर दिया, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर की जाती है, तो इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो 200 आएगा, और 200 माइनस कर दो डिस्काउंट है तो 800 रुपीज। इसके लिए कास्ट प्राइस कितना होगा, 800। अब अगर आपसे पूछा है फाइंड प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट, बच्चों आपको बताना है ए के लिए कितना प्रॉफिट होगा और कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों बतानी है। देखें बच्चों ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 700 रुपीज। सेलिंग प्राइस 700 रुपए का खरीदा, 800 रुपए में बेच दिया, 800 रुपीज। 700 में खरीद कर 800 में बेच दिया, इसको प्रॉफिट हुआ 800 माइनस 700, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट बतानी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस, इसने इन्वेस्ट कितना किया था, 700। बच्चों ये आएगा 20 से 20 कैंसिल, 14.2/7%, या ये आ गया बच्चों 14.29%। तो बच्चों याद रखना डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर करते हैं। अब अगर प्रॉफिट बताना होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना होगा, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यहां तक अपन का क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं। तब तक आप इसे ठीक से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। आज की कहानी यहीं तक, तब तक के लिए ओके बाय बाय।